भूकंप के झटके से टोक्यो बेहिला, फुकुशिमा और मियागी में सुनामी का अलर्ट जारी। भूकंप के बाद टोक्यो में करीब 21 लाख घरों में बिजली कटी। टोक्यो से करीब 300 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। यूपी में सरकार गठन के लिए बीजेपी की बैठक, पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ के बीच मंथन। मीटिंग में एमएलसी चुनाव को लेकर भी चर्चा। बैठक में केशव मौर्य, धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल मौजूद रहे। ईसी ने यूपी में होने वाले एमएलसी चुनाव में नामांकन की तारीख बदली। 29 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 19 मार्च की जगह 21 मार्च होगी। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी उम्मीदवारों का ऐलान किया। बाराबंकी से राजेश यादव और जौनपुर से मनोज कुमार को बनाया एमएलसी प्रत्याशी। सपा ने वाराणसी से उमेश कुमार और लखीमपुर खीरी से अनुराग वर्मा को उतारा। अखिलेश यादव की बीजेपी सरकार से मांग, महंगाई कम और बेरोजगारी दूर करने के लिए हल निकाले। प्रमोद सावंत का फिर से गोवा का सीएम बनना तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने मंजूरी दी। उत्तराखंड में भी सरकार गठन की तैयारी। 20 मार्च को पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह देहरादून जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह से मिले उत्तराखंड के बीजेपी सांसद, शाह ने जीत की बधाई दी। पंजाब के सीएम के तौर पर भगवंत मान ने जिम्मेदारी संभाली। सचिवालय पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत हुआ। अरविंद केजरीवाल को भगवंत मान पर भरोसा, कहा मान के नेतृत्व में पंजाब में खूब तरक्की होगी। सीएम भगवंत मान को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी, कहा पंजाब के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। सीएम बनते ही बोले भगवंत मान, हम एक दिन भी नहीं करेंगे बर्बाद, आज से ही काम शुरू करेंगे। आप सांसद संजय सिंह का दावा, कहा पंजाब में हर वादा पूरा करेंगे। पंजाब में डॉक्टर इंदरवीर सिंह निजर बने प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल बनवारी लाल ने शपथ दिलवाई। हरियाणा के गृहमंत्री का निशाना, कहा धोखे से आम आदमी पार्टी का जन आंदोलन की आड़ में संगठन का निर्माण किया। दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर कांग्रेस के G23 नेताओं की बैठक हुई। कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे। G23 की बैठक में आनंद शर्मा, संदीप दीक्षित और शशि थरूर भी शामिल। आगे की रणनीति को लेकर बातचीत। मल्लिकार्जुन खड़गे का G23 नेताओं पर आरोप, जानबूझकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के निशाने पर कपिल सिब्बल, कहा मेहनत करते नहीं सिर्फ देते हैं बयान। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का अटैक, कहा G23 के नेताओं को सत्ता के बाहर रहने की आदत नहीं। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर अटैक, कहा एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी कमजोरियां छिपाना चाहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेताया, कहा हमारे बिना आपकी राह आसान नहीं होगी। सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाया सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा, फेसबुक ट्विटर का राजनीतिक इस्तेमाल करती है सरकार। सोनिया गांधी ने कहा सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है नफरत, इसे कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए सरकार। पंजाब के कांग्रेस पदाधिकारियों से मिली सोनिया गांधी, दिल्ली में कांग्रेस के संसदीय ऑफिस में मुलाकात हुई। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, एक लाइन खत में लिखा गया आपके आदेश के मुताबिक पद छोड़ रहा। मणिपुर के कांग्रेस अध्यक्ष एन लोकन सिंह ने भी रिजाइन किया, ट्वीट कर लिखा हार की जिम्मेदारी स्वीकार। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, दूसरे राज्यों में भी काम नहीं वालों से ले सकते हैं इस्तीफा। अकाली दल की भटिंडा से पूर्व विधायक सरूप चंद सिंगला ने इस्तीफा दिया। बादल परिवार पर कांग्रेस उम्मीदवार मनप्रीत बादल की मदद का आरोप लगाया। अकाली दल ने हरमीत सिंह कालका को पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप। हरमीत सिंह कालका ने किया नई पार्टी के गठन का ऐलान, कहा सिखों के धार्मिक मुद्दों को सुलझाने के लिए नया दल बनाएंगे। सरकार नागरिकता देने में केवल देशों के हिसाब से रखती है डेटा, कम्युनिटी के आधार पर नहीं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने राज्यसभा में जानकारी दी। ड्रग पर सरकार सख्त हुई, एक साल में 45,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए, 61,000 से ज्यादा गिरफ्तारी। सरकार ने 156 देशों के नागरिकों के लिए 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा बहाल किया, मार्च 2020 से निलंबित था। 2024 तक अमेरिका की तरह भारत में सड़क का नेटवर्क तैयार करने की योजना, नितिन गडकरी ने राज्यसभा में जानकारी दी। पटना में विधानसभा में आरजेडी विधायकों का हंगामा, सदन के अपमान पर सीएम नीतीश से माफी मांगने की मांग। गृह मंत्री अमित शाह से मिली द कश्मीर फाइल्स की टीम, शाह ने कहा कश्मीर फाइल्स से दुनिया को सच पता चलेगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र की कमलनाथ को सलाह, कांग्रेस विधायकों के साथ देखें कश्मीर फाइल्स और सच का सामना करें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का अटैक, कहा फिल्म ने कई परिवार और पार्टियों के गुनाहों की फाइल खोल दी। महाराष्ट्र में टैक्स फ्री नहीं होगी द कश्मीर फाइल्स, डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले केंद्र पूरे देश में कम करे टैक्स। सपा चीफ अखिलेश यादव भी बोले कश्मीर फाइल्स पर बन सकती है जीप से कुचलने वाली घटना पर लखीमपुर फाइल्स क्यों नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर निशाना, द कश्मीर फाइल्स के जरिए कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रहे हैं। 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री का पहला सार्वजनिक समारोह। वन रैंक वन पेंशन पर सरकार के रुख पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा सरकार की अधिसूचना में नहीं मिली कोई संवैधानिक खामी। वन रैंक वन पेंशन को लेकर रणदीप सुरजेवाला का केंद्र पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट में सारे तथ्य नहीं रखे। श्रीनगर के नौगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप पुरी ने हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।
केरल के सीएम पिनराई विजयन ने वक्फ बोर्ड की नियुक्ति को लेकर मुस्लिम संगठनों की बैठक बुलाई। 20 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम में मीटिंग। जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा हुए दिल्ली के लोकायुक्त नियुक्त, झारखंड हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। अगस्ता वेस्टलैंड केस में सीबीआई ने दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। पूर्व रक्षा सचिव और वायुसेना के कई अधिकारियों के नाम। हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। होली बाद मामले की सुनवाई। कर्नाटक के मुस्लिम संगठनों ने गुरुवार को बंद बुलाया। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले का विरोध जताएंगे। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने कर्नाटक बंद के समर्थन का ऐलान किया। हाईकोर्ट के फैसले की निंदा की। फोन टैपिंग मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला से पूछताछ हुई। करीब ढाई घंटे तक कोलाबा थाने में सवाल जवाब हुए। मुंबई में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स की बस में तोड़फोड़ करने के मामले में 5 गिरफ्तार। कोलाबा पुलिस ने गिरफ्तारी की। यूपी में नई सरकार से पहले पुलिस प्रशासन का एक्शन। लखनऊ में मुख्तार के करीबी जुगनू वालिया का एक घर कुर्क किया गया। कानपुर के गैंगस्टर महफूज अख्तर का फोटो सपा विधायकों के साथ वायरल हुआ। इरफान सोलंकी अमिताभ वाजपेयी के साथ नजर आया महफूज। सपा विधायकों की दलील, कैसे विधानसभा पहुंचा इसकी जानकारी नहीं। बीएसपी नेता पिंटू सेंगर की हत्या में आरोपी है महफूज अख्तर। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, पेट्रोल बम से मध्य प्रदेश को दहलाना चाहते थे आतंकी। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक बंगाल से जुड़े हैं आतंकियों के तार। पुलिस टीम जांच के लिए बंगाल रवाना हुई। केरल स्टूडेंट यूनियन के नेता की तिरुवनंतपुरम में पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल जोड़े ने आत्मसमर्पण किया। पति पत्नी पर है 18 लाख का इनाम घोषित। दक्षिण 24 परगना में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हुई। 3 की हालत नाजुक, पुलिस जांच में जुटी। तमिलनाडु के उठानुकदी में प्रतिबंधित लॉटरी बेचने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए। 527 लॉटरी टिकट और 6000 रुपए भी जब्त किए गए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक गांव में हिमस्खलन हुआ, रेस्क्यू का काम जारी। मुंबई के मीरा भयंदर से नाइजीरियन सहित 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए। 5 लाख रुपए नकद और लाखों के ड्रग्स जब्त किए गए। दिल्ली पुलिस ने होली पर शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने की अपील की। प्रमुख सड़कों और चौराहों पर पुलिस की तैनाती होगी। देश में कोरोना के खिलाफ नया अभियान। 12 से 14 साल के बच्चों को लगाई जा रही है कोरोना की वैक्सीन। प्रधानमंत्री की 12 से 14 साल के बच्चों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील। 60 प्लस वाले लोगों से बूस्टर डोज लगवाने को कहा। यूक्रेन से लौटे छात्रों को ममता बनर्जी का भरोसा, इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों की सरकारी कॉलेज में पूरी होगी पढ़ाई। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा, यूक्रेन से आए मेडिकल छात्रों की सरकारी और निजी कॉलेज में इंटर्नशिप पूरी करवाने की अपील। अमेरिका ने माना, भारत द्वारा रूस से सस्ते तेल की खरीद प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है। अमेरिका और रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद पहला उच्च स्तरीय संपर्क किया, व्हाइट हाउस ने जानकारी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित। अमेरिका से मिली मदद के लिए शुक्रिया कहा। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने जल्द ही युद्ध विराम की जताई उम्मीद। कहा, आपसी सहमति के बन रहे हैं हालात। यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास का दावा, चानीहाइव में ब्रेड के लिए लाइन में खड़े लोगों पर रूसी सेना ने हमला कर 10 लोगों की हत्या की। चानीहाइव में एक चर्च बना बमबारी का निशाना, हवाई हमलों के वक्त शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल होता था। कीव के पश्चिमी इलाके में 12 मंजिला अपार्टमेंट पर बम गिरा, लपटों में घिरी इमारत। कीव में कार से जा रहे नागरिकों को रूसी सैनिकों ने गोली मारी, हाथ उठाने के बावजूद गोली चलाई, जर्मन टीवी ने दी जानकारी। मारुपोल में भी टैंक से सिविलियंस को उड़ाया गया, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर। यूक्रेन के लिए दुबई से एम्बुलेंस और सर्जरी के उपकरण भेजे गए। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचेगी WHO की टीम। यूक्रेन के शरणार्थियों का बर्लिन पहुंचना जारी, पोलैंड से ट्रेन के जरिए शरणार्थी पहुंच रहे हैं। ताइवान की सेना ने युद्ध अभ्यास किया, डोंग द्वीप पर ही एंटी एयरक्राफ्ट गन और तोप का अभ्यास। ताइवानी सैनिकों ने आमने सामने की लड़ाई का भी अभ्यास किया, हल्के हथियार और खाली हाथ से दुश्मन को काबू किया। शेयर बाजार बुधवार को तेजी के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स में करीब 1040 अंक की बढ़त, निफ्टी 312 अंक चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में 35 पैसे की बढ़त, एक डॉलर की कीमत 76.27 रुपए पहुंची। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत की दवा, चाय, कॉफी, टेलीकॉम और समुद्री उत्पादों का निर्यात प्रभावित, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। आईसीसी ने जारी की टेस्ट रैंकिंग, बॉलर जसप्रीत बुमराह ने लगाई 6 पायदान की छलांग। रविंद्र जडेजा से छीना टेस्ट में बेस्ट ऑलराउंडर का ताज, नंबर 2 पर फिसले। विराट कोहली को लगा झटका, 4 स्थान खिसक कर नंबर 9 पर पहुंचे। दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, KS भरत IPL की बबल में शामिल हुए, नहीं होना पड़ेगा क्वारंटीन। पृथ्वी शॉ, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव भी दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े, 3 दिन बाद IPL बबल में शामिल होंगे। IPL 2022 के पहले मुकाबले से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को मिली अच्छी खबर, ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ फिट हुए। सलमान खान ने किया साउथ का रुख, चिरंजीवी के साथ तेलुगु फिल्म गॉडफादर में आएंगे नजर। सलमान खान ने देखी शाहरुख की फिल्म पठान की 20 मिनट की फुटेज, ब्लॉकबस्टर करार दिया। करीना कपूर करेंगी OTT पर डेब्यू, नेटफ्लिक्स पर सुजॉय घोष के निर्देशन में बन रही मर्डर मिस्ट्री में नजर आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।